लेटेस्ट मोबाइल फोन्स के रिव्यूज़ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेटेस्ट मोबाइल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली और आप देख रहे हैं मोबाइल वर्ल्ड। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे क्यू मोबाइल के i9i की, और इसकी जो प्राइस दी कंपनी वालों ने वो है 7600 रुपये। दोस्तों आइए अब हम इस सेंसर के स्पेक्स के बारे में जानते हैं, और उसके बाद हम इस सेंसर को अनबॉक्स करके मैं आपको इसका शेप दिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके स्पेक्स को देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो कैमरा दिया है इन्होंने 4.9 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया है, और फ्रंट जो कैमरा दिया है इन्होंने वो भी 4.9 मेगापिक्सल दिया है इसका। और इसका जो डिस्प्ले दिया है इन्होंने 5.0 LCD डिस्प्ले है इसका, और इसमें जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है वो है 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर। और इसके अलावा हम इसके रैम और रोम को देखें तो आप देख सकते हैं कि 16 GB इसकी बिल्ट इन मेमोरी दी है, यानी कि रोम दिया है, और 1 GB रैम दी है। और दोस्तों इसका हम एंड्रॉयड वर्जन देखें तो 7.09 दिया है, और इसमें जो बैटरी दी है इन्होंने क्यू मोबाइल वालों ने वो है 2000 mAh इसकी बैटरी। तो दोस्तों आइए अब हम इस सेंसर को अनबॉक्स करें, ये थे इसके स्पेक्स। दोस्तों आइए अब हम इस सेंसर को अनबॉक्स करें और इसका शेप देखें। तो ये दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका वारंटी कार्ड है डिजीकॉम की, वारंटी में 12 महीने इसकी वारंटी है। नवंबर से सेंसर की वारंटी स्टार्ट होगी। तो अब आइए हम इस सेंसर को अनबॉक्स करें और उसका शेप देखें। दोस्तों आप देख सकते हैं सेंसर को मैंने खोल लिया है, अब देखते हैं सेंसर का शेप कि कैसा शेप दिया है क्यों मोबाइल वालों ने सेंसर का। दोस्तों आप देख सकते हैं सेंसर का शेप फ्रंट में, आप देख सकते हैं ये 5 इंच LCD है, बाहर उन्होंने कोई भी कैपेसिटिव शो नहीं हो रही है। और बाकी खोल के देखते हैं कि सेंसर को के अंदर कैसे इसकी LCD पे अपनी कैपेसिटिव की शो होती है या नहीं होती है। और दोस्तों आप इसके अपर साइड में फ्रंट में देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट सेंसर दिया है इन्होंने, और ये इसका एयर पीस दिया है, और ये कैमरा दिया है इन्होंने। और अब हम इसकी साइडें चेक करें तो साइडों में इन्होंने जो है लेफ्ट साइड इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, और राइट साइड चेक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम कीज दी हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, और इसके अपर साइड में देखें तो 3.5 का ऑडियो जैक दिया है, और उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने चार्जिंग जैक दिया है। और डाउन साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने माइक दिया है सेंसर की। और हम इसकी बैक साइड देखें तो आप देख सकते हैं नीचे इन्होंने ये इसका स्पीकर दिया है क्यू मोबाइल की ब्रांडिंग, और उसके साथ इन्होंने कैमरा, और उसका इसके साथ ही कैमरा के साथ ही इन्होंने नीचे फ्लैश भी दी है सेंसर में। दोस्तों ये था सेंसर का शेप आपको मैंने दिखाया, और अब हम इसके एसेसरीज चेक करें, और उसके बाद हम सेंसर को ऑन करके मैं आपको इसका मेन्यू भी दिखा देता हूँ सेंसर का। और दोस्तों देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ये बुकलेट दिए हैं सेंसर में, और ये इसका प्रोटेक्टर दिया है सेंसर में, और इसके अलावा यहाँ पे हमें एक हैंडफ्री मिलती है, वही पुराने से वाली नहीं वूफर में हैंडफ्री दी है इन्होंने सेंसर की। और ये इसकी चार्जिंग की डमी, और आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग केबल है सेंसर की, और ये इसकी बैटरी हमें मिलती है 2000 mAh। मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर भी, दिखाई बाहर तो मैंने आपको बताया, अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप 2000 mAh की बैटरी। अब आइए इस सेंसर को ऑन करके देखें सेंसर का मेन्यू के कैसा दिया है, कस्टमाइज है या फिर इसके डिस्प्ले के ऊपर ही इसका मेन्यू है। दोस्तों आप देख सकते हैं ड्यूअल सिम सपोर्टेड है, और यहाँ पे इसका मेमोरी कार्ड लगेगा, और दोनों सिम में माइक्रो लगेंगी इस सेंसर में। बैक साइड लगाएं तो फिर ऑन करते हैं सेंसर को।
दोस्तों आप देख सकते हैं इस सेंसर का मेन्यू इन्होंने डिस्प्ले के ऊपर ही दिया है। अब आपको अगर डिस्प्ले को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कोई लॉन्चर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और इसके मेन्यू को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें नीचे देख सकते हैं कि मेन्यू के बाहर कैपेसिटिव कीज दिए हैं सेंसर में, और एंड्रॉयड वर्जन में आपको दिखा देता हूँ, अंदर सेटिंग में भी चेक करा देता हूँ आपको मैं सेंसर का तो अबाउट। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका एंड्रॉयड वर्जन नो कर दिया है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।